के इस सभागार में आए हैं तो सबसे पहले देश में जो चल रहा है, हमारे सभी मीडिया बंधु पत्रकार बंधु इससे बहुत ज्यादा अवगत भी हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए जो पत्रकारिता लोग करते हैं, अगर वो पत्रकार अपनी ईमानदारी से कुछ काम करना चाहता है तो उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन जो है उस पत्रकार पे FIR दर्ज करके उसको जो है थाने या चौकी में जेलों में डालने का काम करता है। स्वयं भारतीय समाज पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर, पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री होते हुए, सरकार में होते हुए भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी गलत नीतियां हुआ करती थी, माननीय ओम प्रकाश राजभर उसको हमेशा आप लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा हमेशा उसको उजागर किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी मनवादी सोचवादी, हम इस बात को नकार नहीं सकते। ये सरकार 2014 में विकास के नाम पे आई थी, आज आप देखिएगा पूरे भारतवर्ष में केवल विनाश के नाम की चर्चा है। अगर इनसे विकास की बात की जाए तो ये मनवादी लोग केवल हमारे और दबे कुचले असहायों वंचित लोगों को जो समाज से दबे कुचले हैं उन पे केवल FIR करके जेलों में डालने का काम कर सकते। साथ ये सरकार को दबाने का जो काम है हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन आप लोगों का मीडिया बंधुओं से हम तो बहुत गुजारिश करेंगे, इसमें आप लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोग भी देखें, आप अगर देखें आजमगढ़ का देख लीजिए, अभी विदिन शनिवार को मैंने देखा है पत्रकार बिंदु हिंदी न्यूज के थे, आपके जिला गौतम बुद्ध नगर के नोएडा सेक्टर 58 से वो अपने ड्यूटी ऑफ करके आ रहे थे और उसमें पुलिस और पब्लिक में कुछ मारामारी चल रही थी। चूंकि वो पत्रकार बंधु था उसने अपना वीडियो बनाना शुरू किया, पुलिस वालों ने जो देखा तो उस बर्बरता से उसको बहुत मारा। मारने के बाद उसको पूरी रात जो है सेक्टर 58 के थाने में बंद रखा, लेकिन जब आप लोग मीडिया के माध्यम से उसको जब उजागर करने का काम किया उसके ऊपर 10 केस लगाया गया था, रात ही रात में 10 केस लगाया गया था। लेकिन दोस्तों आप लोगों की मजबूती की वजह से वो मीडिया बंधु को वहां से रातों रात वो केस को हटा करके उसको जो है, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, दादरी के चौक के आसपास उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये सरकार, आप बताइए सरकार क्या काम कर रही है? सरकार केवल दबाने का काम कर रही है, गरीबों असहायों को लताड़ने का काम कर रही है, ये विनाश का काम कर रही है। स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी ये मांग करती है कि आप लोग जो चौथा स्तंभ है इस लोकतंत्र के, इसमें आप लोग भागीदारी बने। आप लोगों की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि 2014 में आप लोगों ने वही काम किया था जो आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियां गलत हैं तो दोस्तों आपको ये आवाज को उठानी पड़ेगी। और रही बात भीम आर्मी के जो हमारे नेता है बड़े भाई चंद्रशेखर जी, उनके साथ में जिस तरह की कृतियां उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार कर रही है, स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी इसका भर्थना और बहुत ही जबरदस्त भर्थना करती है। मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी बारी की विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नवोदय, जय स्वयंदेव। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।